नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ पाठ 5 हिंदी व्याकरण का पद परिचय पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्रिया विशेषण का पद वाक्य का पद परिचय। 5 तक हमने क्रिया विशेषण पद परिचय तक पढ़ा और अब हम आगे पढ़ते हैं संबंध बोधक पद परिचय। बच्चों संबंध बोधक पद परिचय में दो बातों का उल्लेख आवश्यक होता है। कौन कौन सी बातें? नंबर एक, भेद कालवाचक है, स्थानवाचक है, दिशावाचक है, कारणवाचक है, तुलनावाचक है या साधनवाचक है, उद्देश्यवाचक, समतावाचक और विरोधवाचक। ये संबंध बोधक के भेद हैं। संबंध या संबंधी शब्द कौन सा है, किससे संबंध है उसका उदाहरण इसमें, राधिका सुधा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। की अपेक्षा शब्द के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, इसका परिचय पूछा गया है। की अपेक्षा तुलना सूचक संबंध बोधक, राधिका और सुधा आपस में संबंध प्रकट कर रहे हैं, दोनों का आपस में संबंध है तो संबंध प्रकट करने वाला शब्द। अब आता है बच्चों समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक के पद परिचय में दो बातों का उल्लेख आवश्यक होता है। नंबर एक, भेद समानाधिकरण है या व्याधिकरण है। नंबर दो, अन्वित शब्द या वाक्य जिन्हें समुच्चय बोधक जोड़ता है, ये अव्यय है या फिर वाक्य है जिसको समुच्चय बोधक जोड़ रहा है। उदाहरण, रोहन बैंक गया परंतु पासबुक ले जाना भूल गया। परंतु शब्द का यहाँ पर हमें पद परिचय देना है तो परंतु क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। यह समुच्चय बोधक रोहन बैंक गया तथा पासबुक ले जाना भूल गया दो वाक्यों को जोड़ रहा है। रोहन बैंक गया एक वाक्य हो गया और दूसरा पासबुक ले जाना भूल गया, दूसरा ये हो गया, तो इन दोनों वाक्यों को ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक जोड़ रहा है। अगला है विस्मयादि बोधक का पद परिचय। विस्मयादि बोधक के पद परिचय में निम्नलिखित भेदों का उल्लेख आवश्यक होता है। जैसे विस्मयादि बोधक का भेद क्या है, आश्चर्य बोधक है, आशीर्वाद बोधक है, हर्ष बोधक है, शोक बोधक है या प्रशंसा बोधक है या फिर इच्छा बोधक है। उदाहरण इसमें दिया गया है, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। अब इसमें शाबाश शब्द को बताया पूछा जा रहा है, शाबाश शब्द का पद परिचय पूछा जा रहा है, तो क्या पद परिचय है, हर्ष बोधक पद परिचय। ये हर्ष सूचक है या हर्ष बोधक पद परिचय है इसका। तो बच्चों इस तरह से हमें जिस एक वाक्य में जितने शब्दों को रेखांकित किया जाए या जितने शब्दों को अलग रंग से लिखा जाए और जिस शब्द का पद परिचय पूछा जाए हमें उसी शब्द का पद परिचय देना होता है। बच्चों इस पाठ में कुछ चीज़ें दोहराने लायक हैं, उनको एक बार फिर मेरे साथ दोहरा लीजिए, समझ लीजिए। व्याकरण के नियमों में बंधे हुए शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद बन जाते हैं, ये पद की परिभाषा है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का पूर्ण परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब वाक्य में एक शब्द का जब तक हम पूरा परिचय नहीं देते तब तक वो पद परिचय नहीं कहलाता, जब हम उसका पूरा परिचय देते हैं वही पद परिचय कहलाता है। पद 8 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। जो 8 प्रकार के पद परिचय होते हैं, ये 8ों प्रकार के पद परिचय मैंने आपको पढ़ाए हैं। आप एक बार इसको फिर से दोहराइएगा और इसको फिर से एक बार समझ लीजिएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बच्चों जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी फ़ीस अभी तक विद्यालय में जमा नहीं हुई है तो बच्चों आप अपनी फ़ीस विद्यालय में समय से ही जमा करवा दीजिए। मैं आपके माता पिता से निवेदन करती हूँ कि वे अपने बच्चों की फ़ीस विद्यालय में समय से ही जमा कर दें। धन्यवाद।